आपने नौकरी ज्वाइन की उसके अगले साल ही बांग्लादेश वॉर होता था, वो पूरा पीरियड कैसा था? इसके लिए क्रेडिट जो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ को जाता है। आर्मी की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से और सर्जन, तीनों को आपने किस तरह से देखा है? क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आर्मी ने जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। जब वार शुरू हुई तो 2 दिसंबर को एक जो है पाकिस्तानी जेट भी वहां के ऊपर से गुजरा। 3 दिसंबर को अनाउंस कर दिया, रात को ट्रेन आई, करीब 10 बजे के अंदर अंदर 250 वार वाउंडेड पेशेंट्स हम लोगों ने इवैक्यूएट, उस 250 में एक भी नहीं मरा और ये रिकॉर्ड हो गया आर्मी का। और उसमें मैंने ऐसी ऐसी इंजरीज देखी जो कि मतलब वार में हो सकती। दशक था, ये दशक बहुत सारे बोल्ड स्टेप का था। आपने नौकरी ज्वाइन की उसके अगले साल ही बांग्लादेश वॉर होता है, तो बांग्लादेश वॉर में, और ये ऐसा हुआ कि आप एंट्री होते ही एक बहुत बड़ा जो है आपके सामने चैलेंज आया, तो वो पूरा पीरियड कैसा था आर्मी की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से और एज अ सर्जन, तीनों को आपने किस तरह से देखा है? तो उसको मैं इस तरह से विभाजित करूंगा कि पहले तो मैं एज ए सर्जन इन आर्मी जी कि क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आर्मी ने जो है उसको ऑर्गेनाइज किया और हम लोग सक्सेसफुली उसको अपना रोल जो है कंडक्ट कर पाए, तो इसके लिए क्रेडिट जो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ को जाता है और लोकल कमांडर्स क्या इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि जैसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ हुए, जनरल जगजीत सिंह अरोरा हुए, जनरल परमिंदर सिंह भगत हुए, इन लोगों का रोल बहुत ही अहम रहा है उस पीरियड में। तो मैं उस समय एज ए यंग सर्जन, शायद मैं यंगेस्ट सर्जन था आर्मी का उस पीरियड में, यंगेस्ट क्वालिफाइड सर्जन उन फुल स्विंग जो कि मैं ऑपरेट कर रहा था, और वेस्टर्न फ्रंट का जो मेन ब्रंट आता था वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे हॉस्पिटल पे आया और मेरे ही ऊपर पड़ा, क्योंकि मेरे साथ एक कर्नल आर एन वैष्णव करके सीनियर सर्जन थे, कर्नल आर एन वैष्णव, उनको स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो बिल्कुल उन्होंने ऑपरेशन करना बंद कर दिया था, तो वर्चुअली वो मेरे वेलविशर और बस एक समझ लीजिए कि गाइड की तरह से काम करते थे, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं काम करते थे, बल्कि वो मेरा फिजिकल कम्फर्ट ही उस पीरियड में देखते रहे, चाय काफ़ी ये वो सब चीज़, मेरा जो है मेरे लिए बिस्तर भी वहीं लगवाना और सब कुछ करना ये था। तो हुआ ऐसा कि जब वार शुरू हुई तो हम लोगों को ये अंदाज हो गया कि साहब वार होगी, कब होगी ये ठीक पता नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि वार होगी, क्योंकि रुड़की एक अस्पताल था जो कि वैसे काफ़ी जो है शांत जगह है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो प्रिपरेशंस थी, जो हम लोगों को कहा गया करने को और हम लोगों ने शुरुआत की, तो लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है और सचमुच कुछ बड़ा होगा, क्योंकि वो 600 बेडेड हॉस्पिटल करके वो अस्पताल बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उस समय पता नहीं 600 था या नहीं, लेकिन ये था कि 600, उसको फिर कहा गया कि इसको 1200 बेडेड करना है और अस्पताल का कोई आदमी छुट्टी पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ही था कि कोई साहब बड़ी चीज़ होनी है कि अस्पताल में सीनियर से लेके जूनियर, एक GDMO से लेके स्पेशलिस्ट तक, कोई ना कैजुअल लीव ना एनुअल लीव, कोई सी लीव को मांगेगा नहीं और कहीं जाएगा नहीं, कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाए तो बात अलग है, तभी वो CO के पास जा सकता है कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए या मुझे जाना है, अदरवाइज 24/7 यू हैव टू बी देयर, आपको और कहीं नहीं जाना है, एक मिनट के लिए भी आपका वेयर अबाउट जो है ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं होना चाहिए, आप पिक्चर भी देखने जाएँ तो किस हाल में जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन थी और उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन की गई और काफ़ी दिन से की जा रही थी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता था। जब वार शुरू हुई तब
तब हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड पता लगा। तो जब वार शुरू हुई तो 2 दिसंबर को एक जो है पाकिस्तानी जेट भी वहाँ के ऊपर से गुजरा और काफ़ी नीचे से गया। तो हम लोगों ने कहा ये क्या क्रैश हो कर जाएगा, क्या है यार, कहाँ का प्लेन है, अपना प्लेन है या किसी दूसरे का प्लेन है। तो वो तो थोड़ी देर बाद पता लगा तो पाकिस्तानी प्लेन था। खैर एनीवे उसने कोई फायर वायर उस जगह पे किया नहीं, या तो एमिनेशन ख़त्म हो चुका था या क्या हुआ था, शायद वो आगरा का अटैक करके लौट रहे थे, क्या कर रहे थे कि उन्होंने कुछ किया नहीं। वो भागते हुए अपना बहुत ही लो फ्लाइट करते हुए डक करते हुए मतलब किसी तरह से कि बच जाएं, वो निकल गए। नेक्स्ट डे जो है ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो है 3 दिसंबर को बिल्कुल अनाउंस कर दिया गया कि साहब इंडिया इज़ एट वॉर विद पाकिस्तान। तो वेस्टर्न फ्रंट बिल्कुल एक्टिव था, ईस्टर्न फ्रंट तो खैर घुस ही रहा था पाकिस्तान में। तो उसके कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन शाम को फिर वो किया गया कि साहब काफ़ी कैजुअलिटीज़ जो है हमको रिसीव करनी है, आज शाम को स्पेशल ट्रेन आ रही है। तो उस दिन शाम को पूरा अस्पताल जो है स्टैंड टू था, मतलब सब लोग तैयार थे, जितने व्हीकल थे सब, बाकी भी जो वहाँ पे इंजीनियर ऑफिसर्स का मेस था, इंजीनियर बंगाल इंजीनियर कोर का हेडक्वार्टर है, वो ट्रेनिंग है, यहाँ के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो सब लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा थे हुए, और ये हुआ कि साहब किसी व्हीकल या मैन पावर की कमी नहीं होगी, एएमसी वाले तो है ही हैं, बाकी इंजीनियर्स से भी आदमी या व्हीकल सब अरेंज कर लिए गए। रात को ट्रेन आई, करीब 7:30-7 के बीच में ट्रेन आई होगी, और करीब 10 बजे के अंदर अंदर 250 वार वाउंडेड पेशेंट्स हम लोगों ने इवैक्यूएट किए ट्रेन से, पूरी ट्रेन। तो वो सारे पेशेंट लाए गए अस्पताल। अब वो सारे 250 पेशेंट अटेंड होने हैं, उनको पहले तो प्रायोरिटाइज करना है कि कौन ग्रीवियसली इंजर्ड है, कोई मर सकता है फौरन 8 घंटे 10 घंटे में या फौरन, या कोई वेट कर सकता है ये वो। तो उसमें ये पाया गया कि हाँ अधिकांश जो हैं वो फेयरली स्टेबल हैं, लेकिन कुछ उसमें बहुत सीरियसली इंजर्ड भी हैं जो कि मर भी सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर जो है उनका इलाज जो है शुरू किया मैंने, सबकी पट्टी खोलना, सबको दोबारा से देखना, किसी का पेट दोबारा से खोल करके देखना, किसी को ड्रेसिंग करके छोड़ देना, किसी का जो है स्टिच जो है दोबारा से करना पड़ेगा, किसी का कुछ करना पड़ रहा है, किसी का वुंड रिपेयर दोबारा से करना पड़ा। तो इस तरह से करीब मुझे जो है 72 घंटे तक कोई रेस्पाइट नहीं मिला। जो 10वें रात को मैं उस ऑपरेशन थिएटर में घुसा, तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खाली जो है वो वॉशरूम तक पेशाब करने जाता था, बस खाली, बस उतने टाइम जो है रेस्ट का था कि अगर ब्लैडर फट रहा है तो जाके इवैक्यूएट कर लिया, वापस आए और फिर और ऑपरेट करते गए करते गए करते गए करते गए, और 72 घंटे कंटिन्यूस आई वाज इन द थिएटर विदाउट स्लीप विदाउट फूड। फूड खाली जो है काफ़ी थी, काफ़ी कम है, थोड़ा बहुत शौकीन एज ए पोस्ट ग्रेजुएट हो गया था तो मैं काफ़ी पीता था, बस उससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती थी और नींद थोड़ी सी बीच बीच में थोड़ा सा वो लगता था कि झटका सा आ रहा है, फिर उसके बाद शुरू रहते थे। तो 72 घंटे तक कंटिन्यूस मैंने ऑपरेट किया, इंटायर हॉस्पिटल जो है वो मेरे को हेल्प कर रहा था, सीओ से लेकर के और सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके सिपाही से लेके कोई घर नहीं गया, सब जो घर जाते थे वो इन बिटवीन जो है अपना कपड़ा बदलने और ये वो बस इसीलिए बस जाते थे, बाकी कोई कहीं जाता नहीं था, सब बस काम कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं काम में। और हुआ ऐसा कि मैं अपने को बहुत लकी मानता हूँ, मरीज़ तो किस्मत वाले थे ही,
वो 250 में एक भी नहीं मरा और ये रिकॉर्ड हो गया आर्मी का, उस 250 में फॉर्चुनेटली एक नहीं मरा. दैट वॉज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ. और उसमें मैंने ऐसी ऐसी इंजरीज देखी जो कि मतलब वार में हो सकती है, कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता. जैसे मैं बताऊं, बुलेट चली गई है एब्डोमेन में, एब्डोमेन से घुस के कहाँ चली गई है, रेक्टम के पीछे चली गई है, फिर वहाँ से निकाली जा रही है. वो इस तरह की चीज़ें जल्दी आपको मिलेंगी नहीं. वो आदमी फिर भी बच जाए, जिंदा हो जाए, उसको कुछ ना हो, पेट फटे ना उसका, ये हो गया सब. 3-3 ग्राम हीमोग्लोबिन है जो कि नॉर्मली आदमी मर जाता है, जिंदा है, उनको भी ऑपरेट कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि इसका ब्लड प्रेशर ठीक से आ नहीं रहा है. कैसे हो जवान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर. हाथ पैर को सीधा करके वो बोल रहा है. मुझे वो होता था यार, इसमें कितनी एनर्जी है और कितना जोश है इसमें, कि मतलब साधारण आदमी हो तो साला हाय हाय करके मर जाएगा बिना बात के. इसका हीमोग्लोबिन ठीक से दिख नहीं रहा है कि कितना है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ सर. मैं कैसा गड़बड़ा, मैं ठीक हूँ. तो ये स्पिरिट कीप्स यू अलाइव, ये चीज़ मैंने उस समय रियलाइज़ की. और ये मैंने देखा कि मेरे जैसा आदमी भी 72 घंटे यार बिना रेस्ट के काम कर सकता है. और खड़े रहना 72 घंटे इज नॉट जोक. बाद में 72 घंटे के बाद जो मैं सोया हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं 18 घंटे तक सोता रहा और कोई मुझे जगा नहीं रहा है. फिर सब लोग अपना तीमारदारी मरीजों कर रहे हैं, ये वो. और हमारे कर्ण साहब बैठे हुए हैं, CO साहब आए तो उन्होंने कहा सर सो रहा है अभी ये लड़का. उनका जगाओ मत, जगाओ मत. तो ये हाल है वहीं OT पे ही. ऐसी जगह पर सुविधाएं, एक तो 70 का दशक सुविधाएं इतनी थी, जैसा आपने बताया कि इस तरह से गोली गई कहाँ निकली, तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थी कि उसको आइडेंटिफाई करना, ये मतलब एक्सरे वगैरह तो अवेलेबल है ही है. मेजर चीज तो इंजरीज ही होती है ना. किसी को और कोई बीमारी थी नहीं है. कनकॉमिटेंट किसी को लंग इन्फेक्शन हो जाए चोट लगने से, वो बात अलग है जी. किसी को कुछ कहीं पस निकल आए थोड़ा बहुत हाथ से, हल्का फुल्का, हेल्दी आदमी है वो. इनफैक्ट दे आर नॉट वीक एंड सिक पीपल, दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो, जिनको कि चोट लगी है, ग्रीवियस इंजरीज है. जैसे एक का मैं बताऊँ, यहाँ पे जब मैंने खोला उस पट्टी, तो मैं एक दफ़े अचंभे में हो गया कि यार ये हाथ इसका काम कैसे कर रहा है. यहाँ कुछ भी नहीं है, ए श्रेड ऑफ टिश्यू भी नहीं है. यू कांट इमेजिन दैट. अभी भी मैं सोचता हूँ कि जो फॉरवर्ड एरिया में सर्जन था वो भी कॉम्पिटेंट था, बहुत बहुत ही मतलब मेहनती कोई यंग सर्जन वहाँ भी था, कि उसने उसको एरोप्लेन स्प्लेंट लगा के ऐसे हाथ करके भेजा. यहाँ हड्डी गायब, कोई हड्डी नहीं है, स्कैपुला उड़ गया है, ह्यूमरस जो ये हड्डी है जैसे ये, इसका हेड और ये पोर्शन कम से कम 3-4 इंच समझिए कि हड्डी है ही नहीं. हड्डी ही नहीं है, स्किन नहीं है, न मसल है, न फेशिया है, न फैट है. है क्या? आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, वेन और ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व्स जिनसे कि आपके हाथ चलते हैं, और कुछ नहीं है. इट इज अनइमेजिनेबल कैसे बचा उसका हाथ, मेरे तो समझ ही नहीं, आज तक नहीं आया. इट्स ए मिरेकल. गॉड वॉज विद हिम आई वुड से. नहीं तो उसको तो मरना ही था, हाथ तो किसी हालत में नहीं बचना था, लेकिन हाथ भी बच गया उसका. मतलब हाथ चल रहा है, यहाँ हाथ चला ही, हाथ चल रहा है, ये हाथ बिल्कुल इंटैक्ट है. यहाँ पे इसमें इस इंजुरी है इधर उधर, और यहाँ बीच में गायब कुछ भी नहीं. आर्टरी ऐसे थ्रॉप कर रही है, वेन्यू आप देख रहे हैं, नर्व्स बिल्कुल जा रही हैं, पूरा नर्व मतलब पूरी एनाटॉमी निकेट आप पढ़ सकते हैं, जो कि कभी आप जिंदगी में उस तरह से नहीं देख पाएंगे जी. तो इस तरह की इंजरीज भी मैंने देखी, और हम लोगों ने मैनेज किया, और वो सब सब के सब बच गए. उसके बाद ही वो ड्रामा हुआ कि वहाँ प्रिजनर ऑफ वार आए. फिर प्रिजनर ऑफ वार आए तो उनके लिए जो है वो साहब बैरक खाली कराए गए, और बैरक के चारों तरफ जहाँ हमारे जवान और JCO रहते थे, बैरक्स में प्रॉपर बैरक्स थी,
तो उनके चारों तरफ जो है डबल लेयर जो है बार्ड वायर और फेंसिंग की गई और फिर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है ये वो, और बीच में जो है वो हमारे जवान जो है वो गश्त लगाते हैं और ऊपर पोस्ट हैं चारों किनारों पे और बीच में देखते रहते हैं दिन रात, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं कि ये तार और न काटें और भागे नहीं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जो कि चाहते थे कि हम निकल भागें। तो एक रात को एक ग्रुप ऑफ 6-7 प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने कोशिश किया कि हम काटें और निकल भागें। तो उन्होंने इनर जो फेंसिंग है वो काट ली रात को एक जगह, अब वो मिडिल वाली फेंस में लेयर में आ गए और उसके बाद एक और लेयर अगर काट लेते तो बाहर ही निकल जाते। तो गुरखास थे वो, उनको गार्ड कर रहे थे। गुरखास ने देखा और फिर चैलेंज किया कि रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। तो उन सबों ने सोचा अब हम तो दूसरी को भी ऑलमोस्ट काट चुके हैं, बस तीसरी को ही काटना बाकी है, तीसरे जब तक गोली वोली चलाएंगे हम इसको भी काट के भाग लेंगे। तो उन्होंने वो भागे नहीं सब, तो उन्होंने हाथ वो ऊपर नहीं किया तो गुरखों ने गोली चलाई और चार जो है टपक गए। चार को उन्होंने दे शॉट देम डेड, वहीं पे बिल्कुल दे ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड डेड। अब वो चारों लाए गए, डेड बॉडी ठीक है, उनको तो मार्ग में रखवा दिया गया ठीक है। तो ये हुआ कि साहब इतने सोल्जर मर गए हैं उनके, जनरल भगत आए, ही फ्ल्यू बाई हेलीकॉप्टर केम टू हॉस्पिटल, विजिटेड द हॉस्पिटल, सॉ एंड एड्रेस देम। उन्होंने कहा देखो यहाँ सब कुछ तुमको आराम से तुमको रखा गया है, तुम अगर यहाँ आराम से रहोगे तो ठीक है, वरना इलाज जो है यही है। अगर आपने भागने की कोशिश की और या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर तो यही होगा, इसमें कोई ये मत समझिए कि इसमें कोई राहत आपको मिलेगी या मैं देने वाला हूँ, नहीं किसी भी हालत में नहीं। तो इनको प्रिजनर्स तो, को जो रखा गया इनके साथ कारगिल का किस्सा है जब पाकिस्तान ने भारतीय फौजों से, उसके मैं बताऊं कि इनको तो दामाद की तरह रखा गया। और मुझे इस चीज़ का आज तक मलाल है कि भाई आप इनको जो है 6 एग्स a day, 1/2 liter मिल्क प्लस अदर राशन एंड मीट ऑन हूफ, पहली दफ़े मैंने सुना था ये मीट ऑन हूफ क्या होता है भाई, तो पता चला साहब जिंदा बकरा देंगे हम इनको, बकरी नहीं बकरा लेंगे और वो भी जिंदा, और ये जबह करेंगे, अगर हमने काट के दे दिया तो नहीं तो नापाक हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे, इनको जिंदा बकरा चाहिए, वहीं जो है उसको गंदगी करेंगे पूरा हलाल करेंगे और उसका ब्लड और लाद पोटी वहीं निकालेंगे फेंकेंगे और साहब बनाएंगे खाएंगे। हमने कहा ये बढ़िया, हमारे जवान को तो किसी को एक अंडा नहीं मिलता, इनको 6 अंडा और बकरा भी और दूध भी, बहुत अच्छे ये रहेंगे साहब बड़े आराम से बैरक में, और जवान हमारे बेचारे ठिठुर के मर रहे हैं, उसमें सर्दी बहुत होती थी दिसंबर और जनवरी में रुड़की में, बहुत कड़ाके की ठंड होती थी, आज की ठंड से कहीं ज़्यादा। तो ये जो है सिचुएशन थी, कर्टसी फिर वही मैडम गांधी बहुत ज़्यादा दयालु थी। नेहरू जी चाहते थे कि दुनिया देखे कि मैं कितना दयालु, नेहरू जी की बिटिया वही चीज उनके अंदर भी आई। उस समय तो नेहरू जी की बिटिया थी, नेहरू जी तो जा चुके थे बेचारे, उस समय तो शास्त्री जी की भी डेथ हो चुकी थी, अब तो ये तो बिटिया के अंदर भी वही गुण आए जो बिल्कुल वो दिखावे में वो काफी वो थी कि हम बहुत अच्छा तरह से ट्रीट करते हैं। अब उस ट्रीटमेंट का कोई आपको कोई खास फायदा मिलता नहीं है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है कि हाँ उस समय जो है उनके साधारण जवान ये जरूर बोलने लगे थे कि साहब हमारा अफसर कभी हमसे ऐसे नहीं बात करता, हमको ऐसे नहीं ट्रीट करता, ये बात थी जवानों में। लेकिन जवान की औकात कुछ खास होती नहीं, जो ऑर्डर मिलता है ऊपर से वही बेचारा वो फिर करता है, और वो फिर 6 महीने में बिल्कुल भूल जाएगा, क्योंकि वो हुआ वहाँ एक मेजर था, वो जो है उसको हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया, हमने लिखा ही कि ये भागेगा, वो सचमुच भाग गया, वो नेपाल के थ्रू चला गया पाकिस्तान। वो दो दफ़े एडमिट हुआ तो वहाँ मेजर MM गुप्ता, ही वॉज जयपुर मेडिकल कॉलेज के टॉपर थे वो 1960 बैच के,
1958 या 60 बैच के वो टॉपर थे, उनका नाम भी यहाँ होगा जयपुर मेडिकल कॉलेज के, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, वो M.M. गुप्ता साहब फिजिशियन थे दामोदर। तो वो पेन एब्डोमिन करके एडमिट हुआ, तो मैंने उसको देखा, देखने के बाद मैंने कहा मैं सेकंड ओपिनियन भी ले लेता हूँ कुछ, फिर कुछ चेस्ट की भी बात करने लगा। तो हमने कहा कि डॉक्टर M.M. गुप्ता को, हमने मेजर M.M. गुप्ता उस समय थे, हमने बुलाया कि सर आप देखो इसको। तो बोले यार IP ये मेलिंगरर है, मेलिंगरर मतलब जो झूठा सब कुछ झूठ बोल रहा है वो मेलिंगरर है। तो उसको 4-5 दिन ट्रीट करके हम लोगों ने कहा वापस जाओ, फिर वो दोबारा आ गया दूसरे सिम्टम बहाने बना करके। फिर हम लोगों ने देखा दाखा, तो हमने उसको कहा कि भाई तुम यार तुम्हारा इंटेंशन क्या है, मैंने यही उससे पूछा, फिर ये एग्जैक्ट वर्ड कि तुम्हारा भाई 100 और 100 बताओ तुम्हारा, उसका नाम लेके अपना नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई खान था, कि 100 और 100 बताओ तुम्हारा इंटेंशन क्या है, यार आपका इंटेंशन क्या है। तो बोलता है कि डॉक्टर एक दफे फिर दोबारा जो है मैदान जंग में मिलने की बड़ी तमन्ना है। देखा 20 साल बिस्तर पे लेटा हुआ है, मैदान जंग में मिलने की तमन्ना है। मैंने फौरन आके गुप्ता साहब को भी बुलाया, मैंने कहा सर इसको अभी ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से मेरठ, ये भागने वाला है, सीधे सीधे बोल रहा है अब, क्योंकि मैंने इसे सीधे पूछ लिया कि यार तू झूठ बोलता रहता है और आके मेरे काम करता है, बस खाली भर्ती हो जाता है, तेरे ऊपर मुझे स्ट्रिक्ट निगरानी रखनी पड़ती है। और सचमुच भाग गया वो, मेरा पहुंचा वहाँ एक डॉक्टर साहब से गफलत हो गई, वो थोड़ा सिगरेट वगैरह पीते थे और अपना एप्रन कोट और स्टेथो वो टांग दिया करते थे डॉक्टर्स रूम में, और चले जाते थे रात को जब जाते थे ड्यूटी से ऑफ तो उसको वहीं छोड़ देते थे। तो दैट डे उन्होंने यही काम किया, इसने जो है चुपचाप ये शाम को उठा और उनका नीचे वही ड्रेस है PW वाला ड्रेस, धारी वाला नीली धारी का, वो थोड़ा बहुत फौजी जवान के ड्रेस से मिल जाता था कलर, उन्हीं का एप्रन पहन लिया और उन्हीं का स्टेथोस्कोप मेजर साहब का उसे लटका लिया गले में और चल पड़ा। उसको सेंट्री सल्यूट भी कर रहे हैं, मेरठ मिलिट्री हॉस्पिटल के गेट पे आ गया तो सेंट्री ने सल्यूट किया, बोला सर क्या बात है। बोले यार ये बताओ कि अब हिंदी तो वो भी सब जानते हैं कि सिगरेट कहाँ मिलेगी। तो बोला सर यहाँ तो नहीं मिलेगी, उधर मार्केट है वहाँ चले जाइए आगे मिल जाएगी। उसके दिमाग में नहीं आया कि इस समय रात को जो है ये मेजर साहब सिगरेट क्यों पीने, वो भी अस्पताल से बाहर क्यों जा रहे हैं। अब उसने तो भोलेपन में बता दिया इधर से इधर चले जाइए, वो निकल गया एंड ही वेंट एंड टुक शेल्टर। वो कहीं इसी मुस्लिम के घर में वो आदमी रुका, उसने पूरा वो डिस्क्रिप्शन फिर बाद में दिया। उसके बाद वहाँ से वो नेपाल निकल गया और नेपाल से पाकिस्तान चला गया और उसको निशाने पाकिस्तान और न जाने क्या क्या मिला। और फिर हम लोगों के पास ये लेटर पहुँचा और इन्फॉर्मेशन पहुँची कि एक पेशेंट जो आपके यहाँ भी एडमिट होता था वो मेरठ पहुँचा और मेरठ से भाग गया। हम लोगों ने कहा चलो, हम लोगों के ऊपर कोई दाग नहीं आया, हमने तो साफ साफ लिखा है कि ये भागेगा और इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसके ऊपर नज़र रखना। तो ये तो था, एक फिल्म आई थी सिर्फ मानेक शॉ के ऊपर, तो उसने काफ़ी उनकी ज़िंदगी के बारे में नई चीज़ें।